हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त और आप देख रहे हैं SRMJEEE। तो यहाँ पे SRMJEEE यहाँ पे फाइनली ओवर हो चुका है। इस ईयर का फेज वन जो एग्जाम हुआ था वो ओवर हो चुका है और यहाँ पे रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है फाइनली। तो यहाँ पे आपका डाउट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ रेगुलरली आप मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं, आप मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भैया मेरा इतना रैंक आया तो मैं किस ब्रांच में SRM का किस ब्रांच में कौन सा ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मुझे CSE मिलेगा या नहीं, मुझे KTR वाले में CSE मिलेगा या नहीं, रामपुरम वाले में CSE मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप मुझसे बहुत ज़्यादा रेगुलर डाउट्स पूछ रहे हैं। मैंने कोशिश किया कि कमेंट्स में डाउट क्लियर करता हूँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया बट वो इनफ नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा हूँ रेगुलरली डेली बाय डेली मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके लिए क्यों ना एक स्पेशल वीडियो बना दिया जहाँ पे मैं इस रिजल्ट को एनालिसिस करूंगा और आपको एक ओवरव्यू लग जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने रैंक पे आपके कितने रैंक आए हैं, तो उस हिसाब से वो कौन सा ब्रांच आपको किस ब्रांच में कौन सा इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं इस बार जो रिजल्ट आया फेज वन का SRMJEEE का, तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। आपको एक और भी मैं दूंगा कि कितने रैंक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ब्रांच में कौन सा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले ये वीडियो स्पॉन्सर किया गया है gatecallAdmission.com के द्वारा। आपको SRMVIT या फिर इंडिया किसी भी अदर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए या फिर आप इनके एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा अपना काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही ट्रस्टेड है और दूसरा कि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स आपको एडमिशन दिलवा देंगे। तो इनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.gatecallAdmission.com या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। तो वहाँ पे आ जाइए, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे इस बार जो रिजल्ट आया है फेज वन का, जैसे कि जानते हैं कि फेज वन और फेज टू होने वाला है यहाँ पे SRMJEEE का इस बार। ठीक है, इस ईयर 2021 में तो इस बार जो फेज वन हुआ है उसका रिजल्ट फाइनली आ गया है, उसके बाद आपको डाउट होना स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद आपको मैं एनालिसिस करने वाला हूँ इस रिजल्ट को कि इस रिजल्ट में मतलब इस बार एग्जाम कैसा रहा, मतलब किस सिनेरियो में हुआ और कितने बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, रिजल्ट कैसा आया और हम आपको एक आइडिया देंगे कि कितने रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि कौन सा ब्रांच आपको कौन से वाले ब्रांच में मिलेगा, KTR वाले में मिलेगा, रामपुरम वाले में मिलेगा, मदपलानी वाला में मिलेगा या फिर अलग किसी और ब्रांच में मिलेगा। ठीक है, देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो बना दिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और मार्क्स वर्सेस रैंक का, तो उसको आपने देखा। अब उसके हिसाब से आपको पता लगा कि आपके कितने मार्क्स में कितने रैंक बने हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हद तक सही ही हुआ है मेरा प्रेडिक्शन मार्क्स वर्सेस रैंक। ठीक है, अब आई होप कि एक्सपेक्टेड भी कट ऑफ भी सही हो, क्योंकि जो मैंने बनाया था मार्क्स से रैंक उसी का से एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाया था। तो मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना दिया है बट फिर भी उसके बाद भी आपको डाउट हो रहा है तो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, व्हाट टू द पॉइंट मैं क्लियर करूंगा कि आपको कितना रैंक तक एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा या फिर आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएगा तो वहां पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला SRMJEEE का मिल जाएगा वीडियो। जाइए उसको वीडियो को एक बार जरूर देखिए, वहां पे मैंने PDF आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम और रिजल्ट के बारे में। देखिए, एग्जाम जो इस बार हुआ वो प्रोटेक्टेड मोड में हुआ, आपने घर से दिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा केस में चीटिंग भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से चीटिंग किया। ठीक है, बहुत ज्यादा चीटिंग किया यहाँ पे और उन्होंने मुझे कमेंट में साफ साफ बच्चे लिख रहे हैं कि मैंने कमेंट करके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 125 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर दिए, मेरे 110 मार्क्स आ रहे थे एग्जाम के जस्ट बाद, वो कमेंट कर रहे थे ऐसा। ठीक है, तो चीटिंग बहुत ज्यादा हुआ है, भरपूर चीटिंग हुआ है। ठीक है, तो चीटिंग में बच्चे पीछे नहीं रहे हैं, चूंकि प्रोटेक्ट एग्जाम था घर से दे रहे थे बच्चे, तो चीटिंग फाइनली हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम था और लगभग 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए थे। ठीक है, मैंने मान के चला था कि 1 लाख बच्चे अपियर होंगे बट यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए इस ईयर, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए, 1.5 लाख बच्चे अपियर हुए। तो जो देखिए जो रिजल्ट आया है वो इन कारण से जो है, जिस हिसाब से कट ऑफ बनता था नॉर्मली सेंटर पे एग्जाम होके कि इतने मार्क्स पे इतना कट ऑफ बनता था, इतना रैंक बनता था, कट ऑफ नहीं रैंक, तो वो रैंक जो है वो वैरी हुआ है। मतलब जिस रैंक पे मान लीजिए पिछले ईयर 110 पे रैंक 500 के अंदर आ जाता था बट इस बार नहीं हुआ, इस बार 110 अगर आपने लाया है, 110 या 110 से नीचे लाया है, ठीक है, जस्ट 110 लाया है तो वो 500 से नीचे चला गया है। मतलब इस बार जो है वो वैरी हुआ है, इस बार आपको अच्छे रैंक लाने के लिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़े हैं, क्योंकि इस बार जो है चीटिंग बहुत ज्यादा हुआ है, ऑनलाइन प्रोक्टेड एग्जाम हुआ है, घर से देना पड़ा है, घर से दे लिया है इन्होंने एग्जाम, इसीलिए इसमें चीटिंग बहुत ज्यादा हुआ और इसी कारण जो है मार्क्स वर्सेस रैंकिंग बहुत ज्यादा वेरिएशन आया है। ठीक है, जो पिछले ईयर से आया था, मतलब आपको अच्छे रैंक लाने के लिए अच्छे मार्क्स लाने पड़े हैं।
ठीक है, तो इस कारण से जो है आपको जो जो कट ऑफ है उसमें भी देखने को वेरिएशन मिल सकता है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, देखिए मैं आप डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, जैसा कि पता है कि SRM का टोटल 6 कैंपसेज है, एक है KTR वाला जो मेन कैंपस है, एक है रामपुरम, एक है बदारपनाली, एक है अमरावती, एक है आपको दिल्ली NCR और एक है सिक्किम में इसका, ठीक है। तो मेनली जिसका जो 4 कैंपस है वो है KTR वाला, रामापुरम वाला, बदारपनाली वाला और एक दिल्ली वाला, ठीक है। अमरावती को भी आप मान सकते हैं, बट मैं यही चारों को मेन मानता हूँ। तो हम जो बात करने वाले हैं यही चारों के बारे में बात करने वाले हैं और टेक ब्रांच के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ बच्चे यही चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो मिले KTR वाले में मिले, IT मिले, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों ब्रांच का बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे ब्रांचेस का बात करूँगा, वैसे मैंने सारे ब्रांचेस का डिस्कशन कर दिया है उस वीडियो में, KTR वाला वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस सारे ब्रांचेस का बात नहीं करूँगा, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओनली कंप्यूटर साइंस और IT का। देखिए मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आता हूँ, अगर आपको KTR में चाहिए, आप KTR के लिए आप अपना आइडिया लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ पिछले ईयर के हिसाब से, पास्ट ईयर जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से, अगर आपका 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 अगर कट ऑफ रैंक आपका अगर 9500 के अंदर, मतलब 9500 के अंदर आता है, तो वहां तक मिल सकता है काउंसलिंग क्लोज होते होते, मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग रैंक, ठीक है। काउंसलिंग के थ्रू आपको 9500 तक अगर आपका रैंक है, 9500 के अंदर तक रैंक है आपका, तो KTR वाले में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है काउंसलिंग क्लोज होते होते। अगर आप फर्स्ट राउंड में चाहते हैं, तो फर्स्ट राउंड में होने के लिए मिनिमम आपको 1000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3000 तक आपको अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है, वरना क्लोजिंग काउंसलिंग क्लोज होते 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 तक आपको 10000 तक चला जाता है, ठीक है। अब बात कीजिएगा रामापुरम वाले कैंपस का, तो रामापुरम में आपको क्लोज होते होते यहाँ पे आपको 60000 चला आता है, 55000 फिर 60000 तक चला आता है, ठीक है। तो तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रामापुरम में मिले, ठीक है। अब जैसे बात कीजिएगा वादापलानी का, तो वादापलानी में आप 70000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस मिलने का काउंसलिंग क्लोज होते होते, ठीक है। दिल्ली NCR की बात कीजिएगा, तो वो भी 72-75000 तक आपको मिल सकता है, उसमें आपको CSE काउंसलिंग क्लोज होते होते, ठीक है। तो यही चारों मेन ब्रांच का आपको इतने मैंने जैसा बताया कि KTR में आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 9500 तक के अंदर रहना चाहिए आपको, उतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग क्लोज होते होते आपको वहां पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको रामापुरम में चाहिए तो 55-60000, फिर आपको वादापलानी में चाहिए तो आपको 70000 तक चाहिए लाना होगा, ठीक है। अगर आपने लाया है 70-80000 तक, तो आपको दिल्ली वाला में मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे बात कीजिएगा IT का, तो आप KTR में अगर आप IT चाहते हैं तो 25000 के अंदर में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप IT इंजीनियरिंग चाहते हैं रामापुरम वाले में, तो आपको 60000 तक रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं वादापलानी में, तो 70000, और अगर आप चाहते हैं दिल्ली आंसर वाले में, तो 80000 तक, ठीक है। तो इस तरह यही ट्रेंड चलने वाला है मेरे हिसाब से, तो ये चेंज भी हो सकता है, मेरा ओपिनियन, मैंने जो ट्रेंड देखा है उससे मैंने एक एस्टिमेशन लगाया है कि आप इतना तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया हो आपको कि कितना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया मेरा 9500 रैंक है, मेरा 4000 रैंक है, तो क्या मुझे KTR वाला में CSE मिलेगा, तो नो डाउट मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। अगर आपका 8000 रैंक है तो मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, क्लोजिंग काउंसलिंग क्लोज होते होते। अब आपका अगर 10000-11000 से ज़्यादा रैंक है, तो कम चांस है कि आपको KTR वाला में कंप्यूटर साइंस मिलेगा, बट बाकी और ब्रांचेज जैसे हैं आरावापुरम, वादापलानी, उन सब में है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो सारे कैंपसेस जो है वो उतना बर्थ नहीं है, मेन कैंपस जो है वो सब ज़्यादा बर्थ है, जो भी प्लेसमेंट अच्छे लगते हैं वो मेन कैंपस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाकी कैंपसेस में उतना अच्छे आउटकम आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप यहाँ पे खर्च भी होता ही करने वाले, ठीक है। तो आई होप इसके बाद आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि आपको कितना एक आइडिया लेके चलना चाहिए, कितना रैंक तक किस कैंपस में आपको कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपका इसके अलावा कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था,